हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, द चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव के अंदर कमाल हो गया, 70 सीटों में से 58 सीट्स को अब तक लीड कर रही है 53% वोटों के साथ। भाजपा 40% वोटों के साथ सिर्फ 12 सीट के ऊपर लीड कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक शायद ये संख्या 60 भी पहुंच सकती है, नहीं तो 55 के आसपास तो आम आदमी पार्टी की संख्या रहेगी, लेकिन कोई भी अनुमान हो वो 50 के ऊपर ही जाएगा। दिल्ली की जनता ने देश को बांटने की भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक करारा थप्पड़ मारा है। उसने जवाब दिया है कि हमें विकास की नीति चाहिए, यानी कि बिजली, पानी, जॉब, ये सब चीज़ें चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल चाहिए। और भाजपा उनको क्या दे रही थी, 370, राष्ट्रवाद, छदम राष्ट्रवाद, और साथ में और पुछल्ले से कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने पुलवामा किया। लोग क्या अब 370 की रोटी खाएंगे? लोग क्या सिटीजनशिप एक्ट की अपना उसके बाद नौकरी करेंगे क्या? बीजेपी के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता को, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उनको बिजली दिया, पानी दिया, नौकरी दिया, स्कूल दिया, एजुकेशन दिया, हेल्थ फैसिलिटी दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, सब कुछ दिया। इसलिए दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज सुनाई देगी। भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 200 MP, जी हाँ, 70 मिनिस्टर, 11 मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर की 40 से ऊपर रैली, प्रधानमंत्री की रैली। और जो कहते थे कि ये संयोग है या प्रयोग है, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया कि प्रयोग कैसा होता है। एक करारा जवाब दिया है भाजपा की डिवाइसिव यानी कि बांटने वाली नीतियों के लिए। एक भाजपा के स्पोक्स पर्सन आए थे, उन्होंने कहा कल की ये तो म्युनिसिपल इलेक्शन है, छोटा सा, हम इसकी परवाह भी नहीं करते। तो एंकर ने पूछा, तो इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पे कैंपेन करने आते हैं, होम मिनिस्टर कैंपेन करने के लिए आते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन है। तो ये खीज है भाजपा के प्रवक्ताओं की, भाजपा के नेताओं की, कि उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें दिल्ली की जनता ने थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया है, उनको अस्वीकार किया है, उनको रिजेक्ट किया है, ओवरनाइट रिजेक्ट किया है। प्रशांत किशोर जो कि आम आदमी पार्टी के मैनेजर हैं और उनको JDU ने, नीतीश कुमार ने निकाल दिया था, अभी उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया कि देश की आत्मा को, भारत की आत्मा को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। और ये छोटा सा ट्वीट बहुत बड़े मायने रखता है। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, इसकी गूंज वहाँ सुनाई देगी। अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा को पड़ा है करारा तमाचा जिसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई देगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।